हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम अभी चल रहे हैं, उसमें आपका एक पेपर होता है कंपलसरी एग्जाम बीए बीकॉम और बीएससी फर्स्ट ईयर में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन वाला। तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर आपके लिए लगातार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं। तो उसमें आपका एक वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वो हमारा मॉडल पेपर वन था। और आज यहाँ पर हम आपको मॉडल पेपर सेकंड कराने वाले जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा जाता है। तो यहां पर आइए हम पहले क्वेश्चन पे यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि क्या है, यहां पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो बताइए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा बी भरतपुर। और लास्ट में आपको कमेंट करके भी जरूर बताना है कि आज हम आपको 50 क्वेश्चन इस वीडियो में भी कराने वाले, तो 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए आपको कमेंट करके बताना है। पिछले वीडियो में भी स्टूडेंट्स ने कमेंट करे थे और इस वीडियो में भी आपको कमेंट जरूर करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। ठीक है, तो ये 51 वाला क्वेश्चन है। इससे पहले के 50 क्वेश्चन हमने उस वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे, तो उसके बाद के यहां पर ये क्वेश्चन है 51 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में 52 देखिएगा कि ये जैव मंडल में सम्मिलित है, तो 52 का आंसर बताइए कि 52 का यहां पर क्या आंसर होता है। चार ऑप्शन में से देख के बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा, वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल। उसके बाद क्वेश्चन में 53 देखिएगा, सुनामी निम्नलिखित के कारण पैदा होते हैं, तो 53 का आंसर बताइए। तो 53 का जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, अंतर समुद्री भूकंप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, एक्स किरणों के उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है, तो 54 का क्या आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि शहरी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, 55 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, ये सभी यानी उद्योग, मोटर वाहन, जलमंडल, ये तीनों ही होते हैं, तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 आता है कि एशिया का सबसे बड़ा उष्ट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 56 का जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, बीकानेर में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत राजस्थान में नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर बताइए 57 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ज्वार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि पालर पानी क्या है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, एकत्रित वर्षा जल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा कि मैग्रोव वनस्पति विकसित होती है, तो 59 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, लवण प्रचुर मृदा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 आता है कि कौन सा ऊर्जा का अच्छा स्रोत है लेकिन प्रदूषण नहीं फैलाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, 60 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है कि एड्स रोग द्वारा जनित है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 61 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, वायरस। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा कि समुद्र का प्रदूषक है, 62 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, तेल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा कि निम्न में से किसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा हेतु होता है, तो 63 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे ऊपर दोनों तरफ दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा, बी यूरेनियम हो जाता है। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है, यहाँ पर आपके ऊर्जा हेतु यूरेनियम होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा जो कि क्या है, निम्न में से वर्मी कंपोस्ट बनाने में किसकी भूमिका है, 64 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर आपके केचुए की यहाँ पर हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, वाटरमैन के नाम से किसको जाना जाता है, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तालाब के जल में लवणता में वृद्धि निम्न कारण से होती है, तो 66 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, वाष्पीकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 आता है कि गैस एजेंसियों द्वारा सप्लाई की गई खाना पकाने वाली गैस है, 67 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, सी यहाँ पर तरल हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा कि अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाता है, वायु प्रदूषण। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, तो 69 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी यहाँ पर सी हो जाएगा, वर्षा जल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट आता है 70 वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एड्स कारण का विषाणु या वायरस है, तो 70 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपके होगा यहाँ पर बी, HIV हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है, HIV हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा कि विशाल समुद्री लहरें सुनामी का कारण है, 71 का आंसर बताइए। तो 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपके,
यहाँ पर बी हो जाता है आपकी हवाएं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, पराबैंगनी किरणें कारण होती है, तो पराबैंगनी किरणों का कारण बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाता है ए, त्वचा कैंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होती है नेक्स्ट 73 की, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाता है 1974। इसी के बाद आता है नेक्स्ट कि वन्य जीवन संरक्षण कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था आपके ए 1972। इन दोनों को याद रखना है कि जल प्रदूषण नियम यहाँ पर हुआ था 1974 में और वन्य जीवन संरक्षण हुआ था 1972 में। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 75 वाला क्वेश्चन है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गोपाल गैस शातदी किस गैस के कारण हुई थी, तो इसका आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 आता है, किस वैज्ञानिक को भारतीय पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी आर मिश्रा को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 आता है कि कौन सी गैस पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके हो जाता है सी ओजोन, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 है कि प्रदूषित जल द्वारा जनित रोग है, तो 78 का आंसर बताइए जल्दी से, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 आता है कि वन निम्न दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 79 का आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर भी इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 आता है कि कौन सा पादप मारवा टी के नाम से जाना जाता है, तो 80 का आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा देखिएगा बी रोहिड़ा, यहाँ पर आपके हो जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर पूछे कि जो है ना राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, यहाँ पर राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो वो कौन सा होता है, आपका खेजड़ी होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है कि रतौंधी रोग किसके कारण होता है, इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा देखिएगा विटामिन ए की कमी से। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 आता है कि पर्यावरण का जैविक घटक है, तो 82 का आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा पेड़ पौधे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, तो 83 का क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा डी उक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 आता है कि मेघा पाटकर जोड़ी है, तो 84 का आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी यहाँ पर तीनों ही नहीं होते। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 की थार मरुस्थलीय पौधों के लक्षण है, तो इसका आंसर बताइए 85 का, यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 आता है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में किसका उपयोग होता है, तो 86 का आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा केचुए का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 आता है कि राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह स्थित है, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा रावतभाटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 आता है कि एड्स का पूरा क्या नाम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 आता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो इसका आंसर बताइए, आपके पिछले वीडियो में भी ये आंसर आया था ये क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, वायु कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो आपकी सी हो जाएगा यहाँ पर 21% या 20.95%, और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वो आपकी 78% होती है, ठीक है। तो इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी आपके हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 की गोडावन राज्य पक्षी है, तो यहाँ पर राजस्थान का राज्य पक्षी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भौतिक पर्यावरण का अंग नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी सी हो जाएगा सड़क। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा जो कि क्या है आपके कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसका आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपकी डी हो जाएगा जोधपुर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 की पिछले 30 वर्षों में लुप्त हुई वन्य जातियों का लेखा है, इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा रेड डाटा बुक में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 आता है कि याक पाया जाता है, तो इसका आंसर बताइए, तो उसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा लद्दाख में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, यादहनों की वर्दी के लिए कौन सी क्रांति उत्तरदायी है, तो 95 का आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा हरित क्रांति, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 आता है कि प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ था, इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा स्टॉक होम में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि शहरीकरण से उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर 97 का आंसर बताइए,
तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है कि राजस्थान का कौन सा गांव चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 आता है कि कौन सी बीमारी जल जनित है, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाता है, ए हो जाता है यहाँ पर हेपेटाइटिस। ओके, उसके बाद हमारा यहाँ पर लास्ट आज का क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है, इसका आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, ए जनसंख्या तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तो ये आज के हमने यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस कराए, आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस गए, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हर स्टूडेंट्स को कमेंट जरूर करना है क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर क्लासेस बनाई जा रही है, और हर स्टूडेंट्स को इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।